कैसी थी? बहुत अच्छी। मूवी कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी मूवी थी, हम लोगों ने देखी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट बहुत अच्छी स्टोरी है। अच्छी है मूवी, बहुत अच्छी मूवी, देखनी चाहिए सबों को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आमिर खान की मूवी हमेशा ही अच्छी होती है, जैसे पीके थी, ये है, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान और अक्षय कुमार, इनकी मूवी तो देखने लायक होती है। ऐसी बढ़िया पिक्चर आमिर खान की नहीं देखी जैसी ये है। जैसी ये है, करने वाले जो खाली हैं वो यही काम कर रहे हैं बेकार के, करने दो उन्हें, लेकिन पब्लिक सब जानती है फिल्म सुपर हिट है और बहुत बढ़िया फिल्म है। मूवी क्या है? बकवास मूवी है। आमिर खान की जो मूवी लाल सिंह चड्ढा, बकवास। अच्छी मूवी, पैसा वसूल है, बिल्कुल पैसा वसूल है, अच्छी मूवी है। मैं पीके के बाद ही अब आई हूँ मूवी देखने, या तो संजू बीच में थी। जिस हिसाब से सोचा था कि KGF 2 का रिकॉर्ड ये तोड़ देगी, उस लेवल पे नहीं है मूवी। अच्छी लगी मुझे तो, काफी अच्छी लगी, बहुत बेहतरीन मूवी है, लोगों को आना चाहिए, देखनी चाहिए। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज़। इस तरीके से लाल सिंह चड्ढा यहाँ पर लगी हुई है, डिलाइट सिनेमा के पास हम लोग मौजूद हैं। डिलाइट सिनेमा से जो लोग निकल रहे हैं उन्हीं से अभी रिव्यू जानते हैं कि लाल सिंह चड्ढा आखिर कैसी रही। मैम, लाल सिंह चड्ढा देखकर आए हैं आप, कैसी थी? बहुत अच्छी। अच्छी थी तो कैसी लगी? आमिर खान का तो बॉयकॉट हो रहा है लगातार, लाल सिंह चड्ढा जो है लोग देखने नहीं जा रहे हैं, उसका बॉयकॉट कर रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी। हाँ जी, तो किस पर मतलब फरमाया गया है, मतलब किस पर दिखाया गया है, फिल्माया गया है, किस पर दिखाया गया है? मतलब ये फैमिली की थ्रू है, अच्छी है, मतलब कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अच्छा है काफ़ी। तो आमिर खान आपको पसंद है? हाँ बहुत पसंद है, इसलिए देखने आई है, या फिर लाल सिंह चड्ढा थी उनकी इसलिए देखने आई है? दोनों ही चीज़ें हैं, दोनों ही चीज़ हैं। तो आपको किरदार उनका जो सरदार के किरदार में थे वो, तो कैसे लगे? अच्छे थे, काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे, ब्यूटीफुल। तो अभी आपने सुना किस तरीके से अभी लाल सिंह चड्ढा जो मूवी बनाई गई है उस आमिर खान को लेकर, और आमिर खान ने इस फिल्म में किरदार निभाया एक सिख सरदार का। जी हाँ, तो अभी जो लोग अंदर से आ रहे हैं उन्हीं से पूछते हैं जानते हैं। अभी और लोग छूट रहे हैं क्योंकि डिलाइट सिनेमा पे यहाँ मूवी लगी हुई है, और भी सिनेमाज में जो है मूवी लगी हुई है, और इसी के चलते साथ में जो है रक्षाबंधन मूवी लगी थी, और साथ में जो है लगातार ये दोनों मूवीज़ का जो है रिव्यू जो है दिखाया जा रहा है, लगातार मूवी चल रही है। मैम, मूवी कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी मूवी थी, हम लोगों ने देखी, काफ़ी सारे स्टेप बाय स्टेप उसके थे, पूरी लाइफ उन्होंने कैसे स्पेंड करी था उसमें, कि नॉर्मल या अब नॉर्मल, सब नॉर्मल ही होते हैं, ये हम लोगों की सोच है। बल फैक्ट ये है कि आजकल टाइम में जो नॉर्मल है ना, अब नॉर्मल है, वो ज़्यादा अच्छे है। बहुत अच्छी मूवी थी। तो बायकॉट हो रहा है लगातार जो है, मूवी का बायकॉट किया जा रहा है, आमिर खान का बायकॉट किया जा रहा है, मगर आप मूवी देखने आई हैं। आमिर खान की मूवी हमेशा ही अच्छी होती है, जैसे पीके थी, ये है, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान और अक्षय कुमार, इनकी मूवी तो देखने लायक होती है। मैं पीके के बाद ही अब आई हूँ मूवी देखने, या तो संजू बीच में थी, क्योंकि आमिर खान की मूवी इतनी ग्रेट होती है कि दिखनी चाहिए। अच्छा, रक्षाबंधन भी जो है मूवी अक्षय कुमार की लगी, आपने वो देखी? नहीं, उसके बारे में सुना है, पर मैंने ट्रेलर देखा और मेरे मन में आया कि पहले मैं ये मूवी देखूं। वो भी ये मूवी देख रही है। वो भी देखेंगे, लेकिन एक आमिर खान की मूवी में हर टाइम एक ट्विस्ट होता है जो हमेशा एक नई सीख दे के जाता है, तो काफ़ी बेस्ट मूवी थी, आप सब लोग देखें और देख के इंजॉय करें, फुल पैसा वसूल मूवी है। कहाँ से आई आप? मैं वैसे CP कनॉट प्लेस में रहती हूँ, मिंट रोड लाल क्वार्टर्स, वहाँ से मूवी देखने आए हैं आप। तो बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। चलिए, तो अभी तक जो है रक्षाबंधन मूवी और जो है साथ में लाल सिंह चड्ढा मूवी लगी है, उसी का जो है लगातार लोग देखकर आ रहे हैं, लौट रहे हैं, जिस तरीके से बायकॉट किया जा रहा था। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवान खान। तो आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा कैसी रही मूवी? बेहतरीन मूवी है, अच्छी मूवी है, अच्छी है मूवी, बहुत अच्छी मूवी है, देखनी चाहिए सबों को। मगर लगातार जो है बायकॉट किया जा रहा है मूवी का, किरदार का, आमिर खान का बायकॉट किया जा रहा है, करने वाले जो खाली हैं वो यही काम कर रहे हैं बेकार के, करने दो उन्हें, लेकिन पब्लिक सब जानती है फिल्म सुपर हिट है और बहुत बढ़िया फिल्म है, सुपर हिट है। रक्षाबंधन मूवी भी लगी है, सही है, ठीक ठाक है, लेकिन आमिर खान की उसके आगे बहुत अच्छी फिल्म है। चलिए, और भी लोगों से जो जानते हैं ये मूवी कैसी रही? अच्छी मूवी, पैसा वसूल है, बिल्कुल पैसा वसूल है, अच्छी मूवी है, अच्छी मूवी है, बायो बायो मूवी बनाई है उन्होंने, एक
सिक्के से किरदार में आए हैं अमीर खान। जी जी, अच्छी मूवी है, बहुत अच्छी मूवी लगी। रक्षाबंधन मूवी भी लगी है, बहुत अच्छी लगी। नहीं अच्छी लगी तो लगातार अभी आप सुन सकते हैं कि अभी जो पूछ रही हूँ मैं कि रक्षाबंधन मूवी भी लगी थी और साथ में लाल सिंह चड्ढा, लगातार जो है बायकॉट किया जा रहा है लाल सिंह चड्ढा का, क्योंकि उसमें आमिर खान ने किरदार निभाया है और आमिर खान की मूवी का मूवी क्या बकवास मूवी है। आमिर खान की जो मूवी लाल सिंह चड्ढा बकवास, कुछ कोई स्टोरी नहीं है इसके अंदर, स्टोरी नहीं है, नहीं है। अच्छा। छह साल के बाद तो कहती है शादी कर लो, ये कौन से तरीके, छह साल की बात तो कहती है शादी कर लो, कोई मूवी के ना स्टोरी है, छह साल के बाद कह रही है शादी कर लो। जब छह साल का जब लौंडा हुआ तो के बाद आमिर खान आए हैं, चार साल के बाद मूवी में आए हैं और मूवी लेके आए हैं, जिस हिसाब से सोचा था कि KGF 2 का रिकॉर्ड ये तोड़ देगी उस लेवल पे नहीं है मूवी। हर मूवी उसी KGF थोड़ी ना बन जाएगी। नहीं नहीं, स्टोरी इन्होंने बनाई है पर जो स्टोरी में होना चाहिए था थोड़ा ज्यादा वो दिखा दिया। यार क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राहुल कुमार। राहुल, और आपका नाम क्या है? मुझे मिल। तो मूवी आपको बोकस लगी? रक्षाबंधन मूवी देखी? पूरी देखी थी मूवी, सो गए। कैसी थी? बकवास। रक्षाबंधन भी? रक्षाबंधन देखे, इसी की बात कर रहे हैं। काफी अच्छी रक्षाबंधन देखी है, काफी अच्छी। हाँ जी जी। तो उसमें स्टोरी क्या दिखाई है? बहन भाई का, भाई बहन का, जो 90s के दौर की जो फिल्म बनती थी। नहीं, उसने जो चीजें दिखाई वो रियलिटी दिखाई है, क्योंकि जो एक्चुअल जो हो रहा है लाइफ में हो रहा है, हर जगह हो रहा है, जो चीजें हैं वो दिखाई है उसने। चलिए, और भी लोग आ रहे हैं, उनसे जानते हैं तो कैसी मूवी उनको लगी है, कैसी रही मूवी। मैम Excuse me, sir, कैसी लगी मूवी? अच्छी मूवी। पैसा वसूल थी? हाँ, पैसा। तो आमिर खान की मूवी आपने देखी, बॉयकॉट हो रहा है उसका, तो ऐसा कोई सीन नहीं है हमारे साथ, हमने देखी है। देखी है तो लगातार जो आप सामने ही आपके लोग जो है निकल के आ रहे हैं सिनेमा से, लाल सिंह चड्ढा जो मूवी है, आमिर खान ने किरदार निभाया, सिख सरदार का रोल निभाया है, मैम भी है। मैम कैसी लगी मूवी आपको? अच्छी लगी मुझे तो, काफी अच्छी लगी। काफी अच्छी मूवी है। रक्षाबंधन मूवी भी लगी थी मैम, वो देखी आपने? नहीं, वो अभी नहीं देखी, एक साल क्या देखते हैं, अभी तो यही देखी है। अच्छा, यही देखी है। शोर सुन रहे थे। हाँ, तो फिल्म में जो किरदार निभाया आमिर खान ने, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, एक्टिंग बहुत अच्छी की है, करीना भी बहुत अच्छी लगी है। अच्छा, अच्छी लगी है। अरे, कुछ सीन तो बहुत ही टचिंग है, बहुत अच्छी है। हाँ, टचिंग है। हाँ, बहुत अच्छी। चलिए, सारे इंसिडेंट तो रहा है ना, पूरी हिस्ट्री तो रह दी है उसने इसमें। तो ये जो लाल सिंह चड्ढा आप मूवी का सोचते थे, सर कैसी लगी मूवी? बहुत बेहतरीन मूवी है। हाँ। लोगों को आना चाहिए, देखनी चाहिए, बहुत अच्छा वसूल है। पैसा वसूल है, बहुत जबरदस्त एक्टिंग की है, जबरदस्त एक्टिंग है, बहुत अच्छी मूवी है। बायकॉट किया जा रहा है लगातार, जो है लोग उनका बायकॉट कर रहे हैं, फिल्म का बायकॉट कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो ऐसे पहले तो मजहब में जाना नहीं चाहिए, हिंदू मुस्लिम सब चीज से बाहर आना चाहिए, लोगों को प्यार मोहब्बत से बांटना चाहिए एक दूसरे से। और मूवी एक बार बहुत ही अच्छी मूवी है, अच्छी मैसेज दी है आमिर खान ने, बहुत अच्छा काम किया है। किरदार उनका कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छी, बहुत अच्छा काम। तो किस पर ये जो है आधारित है? ये फॉरेस्ट गंप की वो ये कॉपी है उसकी, और इंडिया में जो भी आज तक जो हुआ है उसकी थोड़ी थोड़ी कुछ में कुछ दिखाया है। बाकी बहुत अच्छी मूवी है, देखना चाहिए, देखना चाहिए, बिल्कुल बहुत अच्छी। चलिए, ये अभी हमने लोगों से जाना कि लगातार जो है अभी तक जो रिव्यू आ रहा है वो अच्छा ही बता रहे हैं, अच्छी मूवी बता रहे हैं। आप लोगों ने मूवी देखी अभी? अभी तो जा रहे हैं लाल सिंह चड्ढा देखने जा रहे हैं। नहीं नहीं, कौन सी रिश्ते? कौन सी? अक्षय कुमार के रिश्ते। रिश्ते या रक्षाबंधन? रक्षाबंधन ही। रक्षाबंधन देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर रक्षाबंधन का भी वेट चल रहा है, रक्षाबंधन लगने वाली है और लाल सिंह चड्ढा अभी मूवी लगी थी और उसी को देखकर जो लोग हैं लौट रहे हैं और लगातार किरदार और मूवी को बहुत बेहतरीन बता रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं। तो मैम है, मैम क्या नाम है आपका? परवीन। मैम, मूवी कैसी लगी आमिर खान की? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप देखने आई है, स्पेशल देखने आई है, क्या देखने आती है मूवी? मैं पिक्चर देखने आई थी। हाँ, तो बेहतरीन लगा आपको रोल उनका? बहुत बेहतरीन। अच्छा। आज तक ऐसी बढ़िया पिक्चर आमिर खान की नहीं देखी जैसी ये है। जैसी ये है। चलिए, अभी तक जो है आमिर खान ने लाल सिंह चड्ढा बनाई है, इसके पहले PK मूवी उनकी आई थी, दंगल आई थी और इसी तरीके से गजनी मूवी भी उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ मूवी बनाई थी और अब जो है लगातार जो है उनकी अब ये मूवी इतने टाइम बाद आई है लाल सिंह चड्ढा और उसका बायकॉट किया जा रहा था लगातार, जिस तरीके से लोग बायकॉट कर रहे थे उसके हिसाब से अगर यहाँ पर रिव्यू दिया जाए और देखा जाए तो अभी तक जो लगातार लोग कह रहे हैं काफ़ी अच्छी और बेहतरीन मूवी है, इससे पहले नहीं है और हार्ट टचिंग मूवी बताई जा रही है। तो आप भी देखिए मूवी और लगातार जो लोग हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं देखने के लिए,
आपको एक बात और बता दूं कि जिस तरीके से दैनिक भास्कर में एक वीडियो वायरल हो रहा था कि बताया जा रहा है कि आमिर खान जो है अपनी मूवी के लिए माफ़ी मांग रहे हैं कि ये मूवी इस तरीके की है, लेकिन वो जो है फेक न्यूज़ है और उसका खुद खुलासा दैनिक भास्कर ने किया है। वो 2018 की मूवी जो उनकी आई थी द ठग्स हिंदुस्तान जो आई थी उसके लिए, जो उसके बाद उन्होंने जो रिव्यू दिया था, उसके बाद जो उन्होंने लोगों से माफ़ी मांगी थी, उसके बाद जो है कि वो वीडियो थी वो वायरल हो रही थी, अब लगातार वो फेक वीडियो बताई जा रही है और अब जो है सच्चाई सामने आ रही है। जिस तरीके से संघी लोग लगातार बायकॉट कर रहे थे आमिर खान का, आमिर खान की मूवी का, और जिस तरीके से रक्षाबंधन मूवी आई है तो उसके मुकाबले अगर बात की जाए तो अभी तक का रिव्यू काफ़ी अच्छा और बेहतरीन बताया जा रहा है, मूवी काफ़ी अच्छी बताई जा रही है, क्योंकि जो लाल सिंह चड्ढा मूवी आई है तो अभी और भी लोगों से जानते। सर क्या नाम है आपका? संदीप। संदीप, मूवी देखी आपने लाल सिंह चड्ढा? हाँ जी मैम। कैसी रही? बहुत अच्छी मूवी है, बहुत पैसा वसूल है, एकदम फुल मैम, फुल पैसा वसूल है। फैन है आमिर खान के? मैम फ्रेंड तो हूँ मैं, शुरू से सारी मूवी देखता हूँ आमिर खान की, क्योंकि हर मूवी में इसका करेक्टर अलग ही होता है मैम, और बिल्कुल न्यू। सिख की भूमिका में वो कैसे लग रहे हैं? बहुत ही मैम फैंटास्टिक रोल, एकदम गजब कहेंगे पूरा। मूवी मतलब बहुत बढ़िया लगी, बहुत अच्छी मूवी मैम, सबको देखना चाहिए, फैमिली के साथ भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा मूवी है, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है मूवी से, एक करेक्टर जितना भी इमोशनल है फैमिली के लिए, जिससे भी एक्चुअली टच होता है सब दूर होते रहते हैं, लेकिन काफ़ी कुछ सीखने को मिला है मैम मूवी से। सीखने को क्या मिल रहा है मैम? जैसे कि इसमें एक अलग ही ऐसा, सब सोचते हैं कि नॉर्मल बंदा है कुछ नहीं कर सकता, बट वो सबसे अलग डिफरेंट है, सबसे आगे जाता है, सब कुछ कर सकता है, बिजनेसमैन बन गया, आर्मी में जाके जॉइनिंग में काफ़ी लोगों को बचाना, अपने साथ साथ दूसरे मुल्क के उनको आतंकवादी तक को बचाता है, तो और भी कुछ चीज़ था मैम, बहुत कुछ अच्छा। जो संगी लोग हैं वो बायकॉट कर रहे हैं मूवी का आमिर खान। एक्चुअली मैम ये सब पॉलिटिक्स है, ये सिर्फ पॉइंट बनाने वाली बात है, लेकिन ये चीज़ अलग है, क्योंकि एक किरदार जो है मतलब जो बॉलीवुड स्टार्स होते हैं उसका कोई मजहब नहीं होता कहा जाता है। यस मैम, तो मैम इसमें इन्होंने आमिर खान ने ये दिखाया है कि हम मजहब हमारे दिल में होना चाहिए, बाकी हमें सब ये शो नहीं करना, मंदिर जाके हम ये इस मजहब के हैं, तो बट ये चीज़ अपने दिल में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस मजहब से। यस मैम, पैसा वसूल मूवी। यस मैम, बहुत अच्छी मूवी है। तो आपने देखा अभी जब जितने भी लोगों से हमने बात की है पैसा वसूल मूवी बता रहे हैं, किरदार अच्छा है, मूवी अच्छी है, स्टोरी अच्छी है, हार्ट टचिंग स्टोरी बताई जा रही है, सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है, एक नॉर्मल आदमी क्या कुछ नहीं कर सकता है। तो लगातार जो है लाल सिंह चड्ढा मूवी का रिव्यू हम बता रहे थे, और लगातार जिस तरीके से रक्षाबंधन अपोजिट में आई थी तो रक्षाबंधन के रिव्यू काफ़ी डाउन जा रहा है और बॉक्स ऑफिस पे पिटती हुई नज़र आ रही है, लेकिन जहां पर बायकॉट की बात आ रही थी, जिस तरीके से संगी लोग लगातार बायकॉट कर रहे थे तो वो भी पछाड़ खाते हुए नज़र आ रहे हैं, लगातार जो है लाल सिंह चड्ढा मूवी हिट मारती हुई नज़र आ रही है। लोगों का जो रिव्यू है वो आपने सुना ही, किस तरीके से बता रहे हैं, किस तरीके से सीख मिल रही है, और मूवी काफ़ी अच्छी रही, पैसा वसूल रही, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवी देखने लायक है, और आपको भी ज़रूर आना चाहिए मूवी देखने के लिए, इसलिए नहीं कि मैं आमिर खान की फ़ैन हूँ, लेकिन इतने टाइम बाद जब आमिर खान मूवी लेकर आए हैं और जिस मूवी का इतना बायकॉट किया जा रहा है तो उस मूवी को ज़रूर देखना चाहिए, और देख कर अपने आप ही खुद अंदाज़ा लगाना चाहिए कि आखिर मूवी में ऐसा क्या दिखाया गया है। तो इसी के साथ देखते रहिए जनित आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, दिल्ली डिलाइट सिनेमा।